हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस मजेदार वीडियो में। लेकिन गाइस आज मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि सुपर हीरो मटेंट और डेंजरस विलन ने मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। क्योंकि गाइस मेरे पास मेरा कोई पेट एनिमल नहीं है ना, इसलिए, और उन लोगों के पास अपने अपने पेट एनिमल है। सुपर हीरो के पास में एक शेरू नाम का कुत्ता है जो कि काफी वफादार है और वो उसकी सारी बात मानता है। तो ये तो हो गई सुपर हीरो की बात, लेकिन क्या आपको पता है मटेंट के पास कौन सा पेट एनिमल है? चलो बताता हूँ मैं। मटेंट के पास में एक बहुत सुंदर सी गाय है जो कि काफी अच्छी दिखाई देती है और वो रोजाना का 10 किलो दूध देती है। और उस गाय के दूध को पीकर ही मटेंट इतना ज्यादा मोटा हो रहा है, लेकिन वो गाय उसकी सारी बात मानती है। जब भी मोटे मटेंट को कहीं पर घूमना होता है तो वो फटाक से अपनी गाय के ऊपर बैठ जाता है और उसकी गाय उसको घुमाने के लिए निकल पड़ती है। और वो लोग मेरा मजाक इसलिए उड़ाते क्योंकि मेरे पास अपना कोई पेट एनिमल नहीं है जिस पर बैठ के मैं घूम सकूं। और डेंजरस विलन के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया। डेंजरस विलन के पास एक सिम्बा नाम का टाइगर है जो कि दिखने में तो काफी छोटू सा है, लेकिन वो काफी खतरनाक है। अगर डेंजरस विलन पे कोई हाथ उठाता है तो सिम्बा उसे बाकी नहीं छोड़ता। और सिम्बा खाली छोटू सा दिखाई ही देता है, लेकिन डेंजरस विलन उसके ऊपर बैठ के सवारी भी करता है। आपको तो पता ही है ना यार, डेंजरस विलन कितना ज्यादा भारी है, लेकिन सिम्बा फिर भी उसे अपने ऊपर बिठाकर काफी तेज भाग लेता है। और डेंजरस विलन बोलता है कि उससे अच्छा पेट एनिमल किसी के पास नहीं हो सकता और मुझे तो वो बहुत चिढ़ाता है। और आज मैंने सोच लिया मैं भी अपना एक पेट एनिमल ला कर रहूंगा और वो पेट एनिमल इन तीनों के पेट एनिमल से काफी ज्यादा बड़ा होगा और मैं उसके ऊपर बैठ के उसकी आसानी से सवारी भी करूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पेट एनिमल कहां पर मिलते हैं, तो अभी मैं जा रहा हूं टिप्सन दादा के पास में। और ये देखो यार, मैं टिप्सन दादा के पास पहुंच गया। अरे टिप्सन दादा, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोल छोटे, तुझे क्या हेल्प चाहिए? मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो टिप्सन दादा, मुझे अपने लिए एक पेट एनिमल चाहिए जिसके ऊपर बैठ के मैं घूम सकूँ और वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन जाए। देख छोटे, वाइस टाउन में तो कोई भी पेट एनिमल नहीं मिलेगा। तू एक काम कर, जल्दी से चोर बाजार चला जा, वहाँ पर तेरे को जरूर मिल जाएगा। लेकिन टिप्सन दादा, मुझे ये नहीं पता कि चोर बाजार कहाँ पर है। अरे छोटे, चोर बाजार बंदरपुर में लगता है। तू बंदरपुर चला जा, वहाँ तुझे पेट एनिमल मिल जाएगा। ओके टिप्सन दादा, अभी मैं चलता हूँ। तो गाइस अभी मुझे बंदरपुर जाना होगा जो कि लॉस सैंटोस में है। और फाइनली अभी मैं बंदरपुर तो आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी एनिमल बेचने वाला क्यों दिखाई नहीं दे रहा? ओ वो देखो, सामने की तरफ कोई तो खड़ा है जो कि अपना पेट एनिमल सेल कर रहा है। चलो इसके पास चलकर देखता हूँ। आओ बंदरपुर के सबसे धमाकेदार सेल, बिल्कुल सस्ते में ले जाओ सबसे तगड़ा पेट एनिमल। ओ ये देखो, यहाँ पर तो सस्ते में पेट एनिमल मिल रहा है, लेकिन ये कौन सा एनिमल है? ओ गाइस, ये तो एक पिग है। साइज में तो काफी बड़ा है, लेकिन काफी ज्यादा गंदा भी है। भैया ये कितने में बेच रहे हो आप? आओ, रोजाना तो हम इसे महंगा बेचते हैं, लेकिन आज संडे है इसलिए मैं तुमको 1 लाख में दे दूंगा। अरे क्या कहा, 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए में तो मैं बहुत अच्छा पेट एनिमल खरीद सकता हूँ। फिर इस गंदे से पिक को खरीदने के बाद मुझे क्या फायदा? मैं इसके ऊपर तो वैसे भी नहीं बैठ पाऊंगा, इसके अंदर से काफी बदबू आ रही है। आज संडे की वजह से यहाँ पर काफी कम पेट एनिमल है, लेकिन वो देखो सामने कोई कुछ तो बेच रहा है। अरे आज की सेल की सबसे धमाकेदार ऑफर में ले जाइए ये सबसे स्टाइलिश वाला कुत्ता। ओ ये कुत्ता तो काफी जबरदस्त है। भाई साहब कितने का है ये? अरे भाई साहब ओनली 5 लाख रुपए का है। अले छले चोल कहीं के, तूने मेले को चोली करके लाया और मुझे इस नीले बंदल को तू 5 लाख में बेचेगा? अले ओ नीले आदमी, मैं तेरे छत में नहीं जाऊंगा, चल यहाँ से भाग जा। ये आदमी मेले को चोली करके लाया है और ये देख मेले बाल भी काट डाले इसने। अरे भाई साहब, ये आपका कुत्ता तो बोलता भी है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? अले मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तू यहाँ से फुट ले, मैं भी जाला हूँ अपने मालिक के पास में। अरे भाई साहब ये कुत्ता पागल है, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अले चोल कहीं के, तूने मेले को पागल बोला, चल ठीक है ये पागल अभी चला। ये देखो यार, इन भाई साहब का कुत्ता तो भाग गया। ये कुत्ता तो सचमुच में काफी ज्यादा चालाक निकला। लगता है मुझे आज अपना पेट एनिमल नहीं मिल पाएगा। अभी मैं काफी ज्यादा थक गया और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। तो ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, मैं यहाँ से पानी पी लेता हूँ। अरे प्लीज मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस पानी के अंदर डूब जाऊंगा। अरे यार आखिर किसकी आवाज है? ओ देखो पानी के अंदर कोई तो डूब रहा है, मुझे उसको बचाना होगा। तो आज मुझे अपना पेट एनिमल तो नहीं मिला, लेकिन मैं किसी की हेल्प ही कर देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर डुबकी लगा दी। अरे प्लीज मुझे जल्दी से बचा लो, वरना मैं डूब जाऊंगा, मुझे अच्छे से सांस भी नहीं आ पा रहा। ओ गाइस देखो, ये तो एक एलिफेंट है और ये तो बोलता भी है। और ये क्या गाइस, इसका कलर तो बिल्कुल मेरे जैसा है। अरे हाँ यार, मैं एक जादुई एलिफेंट हूँ, प्लीज मुझे फटाफट से बाहर निकाल दो, वरना मैं मर जाऊंगा। ओ तो ये एक जादुई एलिफेंट है, तो अभी इसको मेरे को फटाफट से कुछ भी करके इस पानी से बाहर निकालना होगा। अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही गजब का आइडिया आया है। मैं फटाफट से नीचे जाता हूँ और इस एलिफेंट को अपने हाथों से उठा लेता हूँ। ये देखो यार, मैंने इसको अपने हाथों से उठा लिया है, तो अभी मुझे किनारे पे ले जाकर इसको बाहर निकालना होगा। और अभी मैं किनारे पर तो आ गया और ये दम लगा के हईशा। तो गाइस ये देखो, अभी मैं इसको बाहर ले आया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं आज मर जाता। अरे मेरे दोस्त शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखाई देते हो, मैं तुम्हें आज से रॉप एलिफेंट नाम देता हूँ। अरे वाह मलिक, ये तो बहुत अच्छा नाम है। तो गाइस अभी मुझे मेरा पेट एनिमल मिल चुका है जो कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है। क्या तुम मेरे साथ वाइस टाउन चलोगे? अरे हाँ मलिक क्यों नहीं, चलो अभी हम लोग वाइस टाउन चलते हैं। तो गाइस ये देखो, ये रहा मेरा हट्टा कट्टा रॉप एलिफेंट और अभी मैं इसको लेकर वाइस टाउन जा रहा हूँ। फिर बताऊंगा सुपर हीरो मटेंट और डेंजरस विलन को आपको मेरा रॉप एलिफेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।